हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनीलिंग वर्सेस नॉर्मलाइजिंग के बारे में। आपको जैसे स्टूडेंट पता है कि एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग दोनों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, जिसमें मेटल को हीट किया जाता है। अब यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर यहाँ पर हीट किया जाता है और फिर उसको स्लोली कूल डाउन किया जाता है इन फर्नेस और एयर। फर्नेस में स्लोली इसको क्या किया जाता है, कूलिंग की जाती है या एयर कूलिंग की जाती है। उसके आधार पर दो तरीके की यहाँ पर क्या होती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। पहली एनीलिंग और दूसरी नॉर्मलाइजिंग। पहली यहाँ पर एनीलिंग और दूसरी नॉर्मलाइजिंग। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसकी आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट एनीलिंग देखिए, एनीलिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी मेटल को आप हीट करेंगे अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन, जहाँ पर उसका क्रिस्टल साइज जो है वो चेंज हो जाएगा, उसके क्रिस्टल में इंटरनली चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ तक आप उसको हीट करेंगे और फिर हीट करने के बाद कुछ समय तक उसकी जो कूलिंग होगी वो कूलिंग आपकी होगी फर्नेस में। कहाँ होगी, फर्नेस में कूलिंग होगी, तो आपकी एनीलिंग होती है। बल्कि नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है, आप हीट करते हैं मेटल को अप टू 723 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, अगर आप स्टील या आयरन की बात करते हैं, और फिर आप अगर उसको एयर कूलिंग दें तो आपके नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जो एनीलिंग होती है उसमें कूलिंग रेट जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि एनीलिंग आपकी फर्नेस के अंदर हो रही है तो कूलिंग आराम से होगी। बल्कि नॉर्मलाइजिंग में कूलिंग रेट फास्ट होती है, ये डिफरेंस है। फिर है यहाँ पर आफ्टर कूलिंग द माइक्रो स्ट्रक्चर इज कोर्स पर लाइट। देखिए, कूलिंग होने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रो स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर की जो शेप होती है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, तो आपको कोर्स पर लाइट की तरह दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, कोर्स पर लाइट। बल्कि अगर आप नॉर्मलाइजिंग में देखेंगे तो जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखाई देगा, फाइन आपको दिखाई देगा बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। एनीलिंग में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रेन का जो साइज़ होता है वो यूनिफॉर्म होता है हर जगह। बल्कि यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी जो ग्रेन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है, इसमें कम होता है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन साइज इज लेस। फिर आप यहाँ पर देखिए, फिफ्थ है, इंटरनल स्ट्रेसेस आर फाउंड टू बी लेस, यानी एनीलिंग में जो इंटरनल स्ट्रेस जो बचते हैं मटेरियल के अंदर वो कम होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, फर्नेस के अंदर कूलिंग हुई है और आराम से यहाँ पर कूलिंग हुई है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रेसेस जो फाउंड होते हैं वो कम होते हैं। बल्कि नॉर्मलाइजिंग में इंटरनल स्ट्रेसेस आर फाउंड टू बी मोर, यानी यहाँ पर इंटरनल स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं एयर के कारण, क्योंकि एयर में फास्ट कूलिंग हो रही है तो यहाँ पर स्ट्रेस भी अधिक रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इंटरनल स्ट्रेसेस कंपेरेटिवली लेस हार्डनेस, टफनेस एंड स्ट्रेंथ। जो एनीलिंग में देखिए, जो आप मटेरियल को रिक्रिस्टलाइज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और टफनेस कम होती है, और नॉर्मलाइजिंग में आपकी ज़्यादा हार्डनेस होती है, ज़्यादा टफनेस होती है और स्ट्रेंथ भी अधिक होती है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट सिक्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनीलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग, जो कि मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो अब आप इनके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ टाइम है। जो वाई एक्सिस है वो आपका टेम्परेचर डिनोट कर रही है, जो एक्स एक्सिस है वो टाइम डिनोट कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर कर्व यहाँ पर होता है। देखिए, यहाँ पर आप देखिए जो कर्व है यहाँ पर, उसमें क्या होता है, आपके टेम्परेचर वाई एक्सिस पर होता है और एक्स एक्सिस पर टाइम होता है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। ये जहाँ पर ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हीटिंग हो रही है। फिर आपने इसको देखिए, हीटिंग को बंद कर दिया और फिर स्लोली यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर यहाँ पर आपने कुछ समय तक उसी टेम्परेचर पर रखा मटेरियल को, मानिए 723 से आपने अबव टेम्परेचर किया, तो थोड़े समय तक आपने कुछ समय तक इसको वही टेम्परेचर दिया, फिर इसको कूलिंग की। कैसे कूलिंग करते हैं, यहाँ पर फर्नेस कूलिंग की, ध्यान रखिएगा। एनीलिंग में कैसे कूलिंग करते हैं, फर्नेस कूलिंग करते हैं, ध्यान रखना आप। अब आगे चलिए नॉर्मलाइजिंग के लिए बात करें, तो नॉर्मलाइजिंग में भी पहले देखिए, एक तरफ टेम्परेचर है, एक तरफ टाइम है, वाई एक्सिस डिनोट्स टू टेम्परेचर एंड एक्स एक्सिस डिनोट्स टू टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले हीटिंग हो रही है, फिर इसको कुछ समय तक उस स्टेज पर रखा गया जहाँ पर इसको हमें ले जाना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मटेरियल, जिसमें हमें किस तरीके का रिक्रिस्टलाइजेशन साइज चाहिए, शेप चाहिए, तो उस पर हम इसको कुछ समय तक रखेंगे इस टाइम तक, और फिर कूलिंग हो जाएगी यहाँ पर देखिए एयर में। तो ये दोनों के बीच में ग्राफ है, दोनों सेम ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या है, एक जगह एयर कूलिंग नॉर्मलाइजिंग में, और आपका जो एनीलिंग है उसमें आपकी कौन सी कूलिंग होगी, और नॉर्मलाइजिंग में आपकी कौन सी फर्नेस कूलिंग होती है, ये ध्यान रखिएगा।
स्टूडेंट, ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्या नीलिंग हार्ट और नॉर्मलाइजिंग से रिलेटेड, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मटेरियल साइंस की बाकी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, तो मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करें और वहाँ पर आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। आप हमें इन सभी आईडीज़ पर नोट्स के लिए टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स।